हमारे देश में अनगिनत वनस्पतियों का खजाना है जिनमें कई बेहतरीन औषधि गुण छिपे होते हैं। इन्हीं में से एक है गूलर के पेड़ पर लगने वाला फल। गूलर को औषधियों का खजाना माना गया है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए वैसे तो लोग योग और काढ़ों का जमकर सेवन कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा गूलर भी एक ऐसा फल है जिसमें कोरोना के संक्रमण से लड़ने की काफी ताकत है। गूलर क्या है? वैसे गूलर देश के हर हिस्से में नहीं पाया जाता, ये देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में पाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये गूलर आखिर किस तरह का फल है और ये कैसा होता है, साथ ही साथ इसके फायदे क्या क्या हैं। गूलर खाने में बहुत मुलायम और मीठा होता है, साथ ही साथ ये कई तरह की जानलेवा बीमारियों में बहुत सहायक होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फल महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। धार्मिक कथाओं के अनुसार गूलर का फल बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि गूलर का फल कोई आम फल नहीं है, बल्कि ये एक सबसे अच्छी जड़ी बूटी भी है। वहीं गूलर के पेड़ देखने में बहुत बड़े और घने होते हैं, और जहां तक इन पेड़ों की ऊंचाई की बात की जाए तो ये पेड़ 10 से 15 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गूलर में कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसमें 30.77% विटामिन B2 होता है, आयरन की मात्रा 16.25%, कॉपर 11.11%, पोटेशियम 10.81%, मैग्नीशियम 8.33% और कैल्शियम 7.20% होता है। गूलर का फल कई तरह की जानलेवा बीमारियों में बहुत सहायक होता है, और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये फल महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए ये भी जानते हैं कि ये फल किन किन बीमारियों में हेल्पफुल है। सीने में दर्द, सूजन, सरदर्द, मूत्र रोग, बवासीर, रक्तस्राव रोग, आंखों में दर्द जैसे अनेक रोगों में ये बहुत हेल्पफुल होता है। मसलन गूलर के फल का आप पेस्ट बना सकते हैं और अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस पेस्ट को हनी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। इसे आप चेहरे के दाग धब्बों पर लगा सकते हैं। देश के कई हिस्सों में पाए जाने वाले गूलर वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। बहुत से लोग इसे देव वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। वैसे अगर इसके कुनबे की बात करें तो ये पेड़ फिग यानी अंजीर प्रजाति का पेड़ है। हालांकि कई लोग इसे अपवित्र पेड़ भी मानते हैं। ये पेड़ ज्यादातर गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।